सभी यहाँ पर सच पूजन कार्यक्रम में दशहरा उत्सव पर एकत्रित हुए हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो आज के मुख्य अतिथि आए हुए हैं, हमारे समाज में भरतवंशी नाम से अन्य अन्य संस्थाएं चल रही हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मुख्य अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में जैगी गांव से बच्चू सिंह जी पधारे हुए हैं, कृपया आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली स्वागत करेंगे इनका बच्चू सिंह जी। था अचानक माइक खराब हो गया, शायद ये मेरा इम्तिहान ले रहा है आपका भी। हमारे समकक्षी भरतवंशी राजपूत साहब जैसी महासभा के अध्यक्ष राजपाल सिंह राठौर साहब होते हैं, वो अपना स्थान ग्रहण करें। भाई तालियां सभी बजाते रहे, क्योंकि ये समाज का कार्यक्रम है, सही कार्यक्रम है ये। राजपाल सिंह राठौर जी, हमारे बीच में मथुरा से मतलब वृंदावन से पधारे हुए विठल जी हैं, वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। भाई तालियां सभी बजाते रहे। हमारे बीच में फरीदाबाद से मास्टर चंद्रवान जी हैं, वो भी आए अपना स्थान ग्रहण करें। आज का आयोजन भरतवंशी राजपूत महासभा के तत्वाधान में तो हमारे अध्यक्ष रामपाल सिंह जी अपना स्थान ग्रहण करें। रामपाल सिंह तोमर जी, सबसे पहले जैसे कि कार्यक्रम की मर्यादा होती है, मैं सभी अध्यक्षों से अनुरोध करूंगा दीप प्रज्वलन कर शस्त्र पूजन करें और भरत जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। दीप विसर्जन के लिए सभी आमंत्रित सदस्य। बच्चू सिंह जी जो भरतवंशीय क्षत्रिय अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष हैं, उनके स्वागत के लिए सबसे पहले अशोक तोमर जी पुष्पमाला से उनका स्वागत करेंगे। अशोक तोमर जी, तालियां सभी बजाते रहे। भैया आप ही बताते रहे, ठीक है ना। चंद जी के स्वागत के लिए संजीव चौहान जी, संजीव चौहान जी अगले स्वागत के लिए, अगले स्वागत के लिए हमारे जो श्री राजपाल सिंह राठौर जी, उनका मुकेश चौहान जी, मुकेश जी आ जाइए। सिसोदिया भी है साहब, हमारे बीच में श्री चंद्रवान जी बल्लमगढ़ से बधा रहे हैं, उनका नृत्यपाल जी स्वागत करेंगे। नृत्यपाल सिंह चौहान जी, तालियां सभी बजाते रहे। हमारे बीच में हमारी संस्था के अध्यक्ष रामपाल सिंह तोमर जी भी हैं, उनका स्वागत। राजपाल जी करेंगे, दोनों अध्यक्ष अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। भाई दोनों अध्यक्ष एक दूसरे का स्वागत करेंगे। भाई तालियां जोरदार बजती रहे। ऐसे ही दिल मिले रहे, ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे। बोले भरतलाल जी महाराज की। बहुत ही अच्छा दृश्य लगता है, भरत जी के नाम से जितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, आज उन सभी के अध्यक्ष एक मंच पर, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए।
एक प्रयास सभी अध्यक्ष एक मंच पर एक बार दोबारा ताली बजनी चाहिए इस बात के लिए। हमेशा मंचों पर मिलते रहे हैं लेकिन आज का दृश्य बहुत ही अजीब दृश्य है। सभी अध्यक्ष एक मंच पर हैं, हमारे बीच में बाहर से कुछ लोग पधारे हुए हैं, उनको भी बुलाना चाहूंगा मंच पर आए वो। उनको स्वागत के लिए श्री वीरेंद्र जी आए हुए हैं वीरेंद्र भजौते से, उनको स्वागत अशोक कोमल जी करेंगे। वीरेंद्र जी आप मथुरा से, मथुरा से प्रोफेसर श्री गिरिराज सिंह जी उनके स्वागत करें, बुलाना में चरणपाल जी को, चरणपाल जी आए उनका स्वागत करें, जोरदार तालियां। से फरीदाबाद से सब लोग आए हुए हैं तो मैं चाहूंगा उन सबका भी सम्मान बने क्योंकि इतने दूर से हम लोग आए हैं दूर से। हम लोगों ने पूरे समाज से पैसा किया क्योंकि समाज का कार्य समाज से ही चलता है।
उस प्रकार से जब सब लोग एकत्रित किया तो कितना खर्चा हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। 6 पन्ने हैं, पन्ने में समय लगेगा, अगर किसी को लगता हो तो वो ले सकते हैं लिस्ट। 6-7 पेज है। कार्यक्रम में हम लोगों ने जो आप सभी लोगों से दान लिया उस दान के रूप में 1,13,135 रुपए हमने इकट्ठा किए। भाई इनके वालों से कहूंगा इसका विशेष रिकॉर्डिंग करें। 1,13,135 रुपए हम लोगों ने समाज से इकट्ठा किए होली मिल के कार्यक्रम में, जिसमें आप सभी लोग शामिल थे। उसका खर्चा किस प्रकार से किया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वाटिका वाले को 40,000 रुपए, वीडियो वाले को 7500 रुपए, झांकी वाले को 3,000 रुपए, साउंड वाले को 4,200 रुपए, जो साउंड लेकर के आए थे हमने बुजुर्गों का सम्मान किया था और महिला का सम्मान किया था 20,000 रुपए, हैंडबिल 2,800 रुपए, बैनर होर्डिंग 1,900 रुपए, शील्ड और मेडल जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे थे उन सभी का वहाँ सम्मान किया गया था, उनको मेडल पहनाकर शील्ड लेकर सम्मान किया गया था 9,000 रुपए, सर्टिफिकेट एक हमने बनवाया था सभी दानदाताओं के लिए उसका खर्चा 2,500 रुपए, और फूल माला का खर्चा 1,200 रुपए, फूल माला का 2,500 रुपए, बैच का 1,200 रुपए, और बाकी कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी वगैरह खर्चा 3,350 रुपए, रजिस्टर 125 रुपए, मीडिया प्रचार प्रसार के 3,000 रुपए, और बुक की छपाई के 2,500 रुपए, नाश्ते के 350 रुपए, कुल मिलाकर इस प्रकार से हम लोगों ने हमने 1,02,425 रुपए हमारे खर्च हुए थे। हमारे पास 1,13,135 रुपए आए थे, 10,707 रुपए हमारे पास बकाया है। बोले से गोविंदा जी महाराज की उसकी फोटो कॉपी को लेना चाहे तो हमारे पास उपलब्ध है, किस प्रकार से दानदाताओं से किस किस से पैसे आए थे। और सबसे बड़ी बात है बताना चाहूंगा आपको, मैं होली मिलन कार्यक्रम के अंदर जो भोजन की व्यवस्था थी हमारे घर पंची राजपूत महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह सिसोदिया जी की ओर से पूरी व्यवस्था रही थी भोजन की। भोजन की व्यवस्था वीरेंद्र सिंह सिसोदिया जी की ओर से रही थी। आज वो दिल्ली से बाहर है क्योंकि कैनेडा चले गए हुए हैं, वो उनका 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है वहां पर। बोले श्री वृंदा जी महाराज की इस कार्यक्रम में जो दान आया था, अगर किसी को सूची चाहिए तो मेरे से ले सकते हैं, लापता ले सकते हैं। सस्ता भोजन का कार्यक्रम है तो आज विचार सभी उपलब्ध यहाँ पर रखे कि इस पे दुर्गा मंदिर से भी मिथुन सिंह जी आए हुए हैं। सबसे पहले उनको आमंत्रित करूंगा, आए और सभी को दशहरे की शुभकामना दे और उनके विचार रखे। बोले श्री भरता जी महाराज की मिथुन सिंह जी जोरदार ताली एक बार। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, 2 मिनट आप लोगों को भगवान श्री राम जी के तरफ पर लेके चलूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, को बधाई है। मेरे यहाँ बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आज जो इतना सुंदर एक उत्सव के रूप में श्री भरत जी महाराज का पूजन, अपने अस्त्र शस्त्रों का पूजन, एक क्षत्रिय होने के कारण गौरवान्वित होते हैं
जब सामूहिक रूप से इस तरह से पूजन करते हैं। आज मंच पर विराजमान हमारे अग्रज और मेरी बहने, ये ऐसे आयोजन है, इनके करने से आपस में प्रेम होता है, आपस में जुड़ते हैं। कुछ साल पहले हम नहीं जानते थे कि हमारे बस्ती बरार वाली सीट पर कौन सज्जन बैठे हैं। आज अगर किसी बस में अपने समाज का कोई आदमी दिखता है, जवाई है, मैं ये जो आपके सामने कुछ ऐसी बातें रख रहा हूं, मार्मिक, मेरा एक आप लोगों से निवेदन है। भरतवंशी छत्री महासभा मथुरा का मैं जिला अध्यक्ष हूं और पिछले 12 साल से हम आदरणीय जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनके निर्देशन में अपने काम चालू किया। मावस का दिन था, मेरी बांकेवेली मंदिर के पास में मुहूर्त है तो दाऊ जी के पास एक गांव है, वहां से एक सज्जन आए मेरे ताऊ जी का नाम पूछते हुए और बड़े भाव विभोर होकर के जब वो मैं दुकान पे आए तो उनसे पूछा, बोले बाबू जी मेरी 3 बेटी हैं, अगर आप उन्हें संभालो तो गैर समाज से बची जाएंगी, नहीं तो वो और समाज में लोग मिल जाएंगे। हमने जब ये बात अपने बड़े भाई से रखी, ताऊ देव जी भी कारोबार में है, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, हमने कहा भैया आप इतना जगह जगह डोनेशन देते हैं, अपने समाज की अगर ऐसी स्थिति है तो इसको कैसे करेंगे। तो उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी, हम 4-5 लोग थे और वो चुपचाप उठो अपने कमरे में से जाके प्रथम बार हमारे हाथ में 51,000 रुपए दिए। हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे पास में कोई 51,000 रुपए देगा। उस समय भगवान सिंह जी भी थे, गंगा सिंह जी भी थे, अपने प्रोफेसर मिश्रा जी भी थे, आदरणीय श्री ठाकुर जी चरणों में पधार के श्री कंसीलाल जी बैंक वाले वो भी थे। कोई अच्छा काम करने के पीछे एक धारणा चाहिए। मेरा एक सुझाव है आज इस नौमी और दशहरा के पर्व पर, इतनी बड़ी दिल्ली है, कोई एक बच्चा और एक बच्ची, कोई तो 92-91 नंबर लेके आए होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। मेरा आपके श्री चरणों में निवेदन है, अगर हम सब लोग जितनी भी संस्था है नहीं जाता। पर मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि इस पावन पर्व पर एक संकल्प ले लो, क्या हम हमारे समाज में कोई बच्चा कोई लड़की 90 से ऊपर नंबर नहीं है, क्या उसको हम अपनी बेटी की तरह बेटी या अपनी बेटे की तरह बेटा नहीं मान सकते। एक बच्चा पढ़ा लो, तो वो 4 बच्चे आपके सामने खड़ा कर देगा।
हम अपने घर में जैसा भी खाते हैं, जैसे भी रहते हैं, किसने देखा? हम 20 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, किसने देखा? हम 4 AC लगा के सो रहे हैं, किसने देखा? इस उम्र का कोई ज्यादा समय नहीं है एक बच्चे के लिए। मेरा आपसे मैं झोली फैला करके भीख मांग रहा हूं, एक बच्चा, एक लड़की, एक लड़का कोई ऐसा तैयार कर लो जो एक बच्चा आगे सो जाए। अगर वो समाज के द्वारा भटक तरफ होगा ना, मैं कहता हूं उस समय में तो 4-5 बच्चे बच्चियों को खड़ा कर देगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर मैं हम लोग ऐसा करें तो आपकी मैं आपके विचार सुनना चाहता हूं, या तो आप मुझे तालियों से जवाब दीजिए या मुझे शुक्रिया दीजिए। क्या मैं ये गलत कह रहा हूं? अच्छा, अब मैं यही बात नहीं की, संस्था चाहे दिल्ली की हो, संस्था चाहे राजघाट की हो, संस्था चाहे मथुरा की हो, आदरणीय अभी संचालन महोदय ने जिस तरह से इस हिसाब का पर्चा आपके सामने रखा, मैं इसका विरोध करता हूं। आपको कार्यक्रम करना है तो आप एक 100-200 लिस्ट बनाइए, उसमें खर्चा डालिए, जिसका नाम है, नंबर है, मोहल्ला है, वो लिखिए। चाहे मैं आपके विपक्ष में, मेरे हाथ में पेपर आएगा तो मैं उसे फोन करके पूछूंगा कि भाई साहब यहाँ 2100 रुपए दिए हैं तो कभी आप मथुरा भी आइए। अब मुझे तो मेरे हाथ में है कि संस्था के और भी पदाधिकारी आए हैं, उनका नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ की संस्था से अनुरोध करूंगा, मेरी बात को अन्यथा ना लें, आगे आप जो भी कार्यक्रम करें उसको कोई पैम्पलेट अपने हिसाब के, किताब के, सब चीजें नाम ही दिए। अगर आपके पेपर में लिखा हुआ है तो कोई आदमी फालतू बातें नहीं करेगा। अगर मेरी बात ये गलत है तो ताली में बजाइए, और अच्छी है तो ताली में बजाइए। अब आइए, आज का जो ये उत्सव रखा गया है ये बहुत सुंदर उत्सव है। हमारा तो यही कहना है, मरने के बाद में तस्वीर कर जाएगी। अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए तो वो आपको तिथि पे याद कर लेंगे, और अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए ना तो तस्वीर के ऊपर में पकड़ी का जाल फैल जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, एक चीज और मैं आपसे कह रहा हूं, अपने घर में चाहे वो बहन हो, बेटी हो, भैया हो, बहू जी हो, चाचा हो, छोटा भैया हो, भाभी हो, एक काम जरूर करना है, एक अपनी घर में रामचरित मानस रखें। उस रामचरित मानस में भाव को साथ से कैसा व्यवहार रखना है, बड़े भाई को छोटे भाई से क्या संबंध रखना है। अभी ऐसा कलयुग नहीं है, और ये जो कलयुग वाली बात कहते ना, बोले नहीं हमने ऐसा किया, ऐसा किया, तो ये भी आप निश्चित मान लीजिए ये कलयुग जरूर है, पर ये कलयुग है। आप कैसा करेंगे कुछ समय बाद आपके सामने वैसा ही आएगा। इसलिए मेरे संतों का जो अच्छे लगे हो तो देख लीजिए, और जो मैं अपनी सीमा से बाहर कुछ कह गया हूँ तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और इस पावन पर्व पर बहुत बधाई आपको देता हूँ। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम।
सेन जी महाराज की, श्री बुद्ध सेन जी महाराज की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मित्र सिंह जी। मैं आपको संज्ञान में, जैसा कि अभी मैं लिस्ट पढ़ रहा था, उसकी हमारे पास एक प्रति इस प्रकार से हमने सात पेशी बनवाई हुई है। इस प्रकार से सात पेशी प्रति बनवाई हुई, मैंने बताया हम लोगों ने वही किया है। नाम होगा मेरे को कितना कमीशन दिया है, मैंने कहा कोई चाहे तो दे सकता है, पूरी लिस्ट हमारे पास, कितना खर्चा कहाँ कैसे हुआ सब कुछ बनाया हुआ है हमने। तो हमारा भी प्रयास यही था कि सबको हम यहाँ पर दे दें, लेकिन हमारा किसी को आवश्यकता ले सकते हैं। दूसरा, आपने शिक्षा के ऊपर बहुत बढ़िया बात बताई, तो आपकी जानकारी में होली मिले के कार्यक्रम में वहाँ पर हमने जब अपने समाज के प्रतिभावान बच्चे थे उन सभी को पद पर सम्मानित किया था, जो 80% से ऊपर नंबर लेकर गए थे सभी को पद से बुलाया था। और आज हमारे समाज की स्थिति ठाकुर जी की कृपा से बहुत बढ़िया है। ऐसी स्थिति में कोई अभी तक हमारे पास नहीं आया जो धन के अभाव में वहीं से छोड़े थी। धन के अभाव में तो शायद पढ़ाई किसी नहीं छोड़ी अभी तक, लेकिन हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कोई ऐसा बच्चा हमारे बीच में आएगा तो बहुत ऊंची राजपूत महासभा पर हिम्मत धन से उसके लिए तैयार रहेगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है हमारे समाज में ऐसे बच्चे में 99% ले गए उस कार्यक्रम में, जो बच्चों सम्मान किया था हमने। पिताजी बोले वो नहीं थे, लेकिन 99% ले गई आई थी। तो समाज बढ़ रहा है, समाज बढ़ रहा है, समाज बढ़ रहा है, समाज बढ़ रहा है। बोले श्री गंगा जी आवाज की। मैं फिर दोबारा इस मन से आश्वस्त करता हूँ, अगर ऐसा कोई भी बच्चा हो जो धन के अभाव में कहीं पढ़ाई छोड़ रहा हो अपनी, तो संस्था को जरूर अवगत कराए। धन के अभाव में तुम पढ़ाई ना छोड़े, इसका आप सभी लोग इसे ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई हुक्म आप सभी की नजर में तो आप जरूर बताए। विचार करके कि गंगा आगे के कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री चंद्रवान जी मास्टर जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपने विचार रखे। एक बार जोरदार ताली मास्टर जी की। हमारी बिरादरी जो मजदूर वर्ग, हमारी बिरादरी मजदूर वर्ग है, ये समाज मजदूर वर्ग है, इसके पास जड़ वस्तु नहीं है। जड़ वस्तु से मतलब है अचल संपत्ति, जमीन जो है नहीं है लोगों के पास, ना ही अल्पसंख्यक वास्तव में हम है, हमारे संख्या भी इतनी नहीं है। अगर आप ऐसे सोचें तो गांव के अंदर एक दो घर ऐसे मिलते हैं, और तो वहां पर जो है, मैं पूर्व उत्तर प्रदेश में गया, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था कि दिल्ली को हमारी बसी हुई है, ये उत्तर प्रदेश से क्या रहा है, या कुछ राजस्थान में हमारे हरियाणा से, तो यहाँ कोई मेरे ख्याल से कोई नजर नहीं लगता था, और काम काज के साधन भी अच्छे थे, तो इसीलिए जो वहां से तो कोई दिल्ली में आकर के रह नहीं रहा। तो दिल्ली बात ये जो उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली है, दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश है, और हमारी तरफ से तो जो उसी यही मौका उन्हीं का है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, वहां से लोग चल करके रोजगार की तलाश में आए, और यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मेहनत की है, और अपनी मेहनत के लगन से जो है अपने उसको जो ऊपर उठाया। लेकिन अब इसमें जिनके पास अगर धन संग अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी उनकी प्राप्ति हुई है, तो वो उसको जो समाज की तरफ भी उसकी नजर रख रहे हैं, ये भी एक खुशी की बात है। जैसे कि अभी हमारी एक बड़े संस्थान श्री राजपाल जी की संस्था ने एक धर्मशाला का निर्माण का जो बीड़ा उठाया, और सुना है उसमें 40 लाख की लगभग जो है 40 लाख रुपए की जो है वो 200 गज का प्लांट उसके लिए खरीद लिया। अब उसके निर्माण की बात आती है, तो उसमें निर्माण में भी किस तरह से खरीदेगा, इस तरह से जो है समाज सहयोग करेगा और वो बनेगा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर अपना विचार रखना चाहे तो बच्ची दे सकता है। आगे के कार्यक्रम के लिए श्री राजपाल जी राठौर जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आएंगे अपने विचार रखें। राजपाल राठौर जी। Yeah.
अपने मेरी छोटी सी झोंपड़ी में 20-25 गज का मकान बना हुआ है, वहां पर उनको आमंत्रित करता हूँ, जो जो शंकाएं हैं उसके बारे में उन्हें लिख के भेजे, मैं प्रयास करूंगा उनको संतुष्ट करने की। कम से कम 20-25-30 हज़ार की किताबें लिख रखी हम लोगों ने, कहने के आधार तो हमने लिया ही आई है। अब वो समस्या खत्म हो गई कि हमें अपना उपनाम क्या चाहिए, ये स्पष्ट हो गया। जिनको भरतवंशी उपनाम अच्छा लग रहा है कृपया करके हमसे जुड़ जाएं, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है उनसे मेरा नम्र निवेदन है जो उनको अच्छा लग रहा है कृपया वहां पर काम करें, हम लोगों को डिस्टर्ब न करें। मैं और मेरी संस्था इन्हीं गांवों बस यदि उन्होंने आशीर्वाद भी दिया उनके आशीर्वाद से हमसे खरीदने की स्थिति में आ पाए, वरना हमारी औकात नहीं थी कि हम इसको ले पाते। प्रभु की दरबार से अब आपकी ये हो गई है, जैसे आदरणीय गुरु जी ने बताया था इसमें निर्माण कार्य भी होगा, तबे भी बनेंगे भवन भी बनेगा, तो मैं तटबद्ध प्रार्थना करूंगा कि यदि आप मुनासिब चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई में से तो दान देना चाहें तो आप उसके कमरा बनवा सकते हैं, ईंट दे सकते हैं, रोड दे सकते हैं, बदल को दे सकते हैं और कुछ नहीं तो आशीर्वाद तो हमें दे दीजिए, प्रभु चाहे वो क्यों नहीं। एक अभी आदरणीय गुरु जी ने कहा था बड़ा अच्छा अच्छा लगा, हमें यदि संभव हो सके तो हमें एक मृत्यु भोज पर थोड़ी वो रोक लगानी चाहिए, एक तो घाटा आदमी बढ़ता और हम उसकी दावत उड़ा रहे होते कितना कष्ट। मुझे तो भाई मुझे मेरे आप अदरवाइज लेंगे 1 जनवरी 2019 से मैंने ये संकल्प ले लिया है कि मैं जाऊँगा जरूर परंतु मैं भोजन नहीं करता हूँ, जाता हूँ ये बात नहीं है, पर अंदर से मन की आत्मा रोती है अरे यार ये आदमी तो मर गया, घर बर्बाद हो गया, हम उसके दावा तोड़ रहे हैं मार रहे हैं, क्या इसका सेंस है, इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करें। एक आदरणीय जैसे कहा हमें दहेज दहेज प्रथा को किसी के कहने से नहीं होगा, दहेज प्रथा को हमें अपने दिल से अंदर दहेज रूप से दान को हमें निकालना पड़ेगा, हमें तब तो तब जाके हमारा कल्याण होगा, अदरवाइज केवल भाषण से ही हमारा समापन नहीं है। तो वक्ता भी होंगे उनको मैं ज्यादा समर्थन नहीं दूंगा, मैं पुनः अपनी ओर से अपनी संस्था की ओर से समस्त पदाधिकारी की ओर से इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए भाई रामपाल जी, भाई संजीव जी, भाई राकेश जी और भाई अशोक जी तथा उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे बीच में मथुरा से श्री गिरिराज सिंह प्रोफेसर जी आए हुए हैं, वो आए अपने विचार रखें, मैं जोरदार स्वागत करेंगे इनका। देखिए मथुरा से आए हैं, हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं और कार्यक्रम की शोभा अतिथियों से बढ़ती है, सभी वातावरण से शोभा बढ़ती है। शिक्षा मेरा एक संस्थान भी, किसी भी अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग सहयोग चाहिए, कोई भी कैरियर के रिगार्डिंग सहयोग चाहिए तो मैं आप आधी रात कभी फंकर में आपको हर तरह की सहायता के लिए तैयार रहूँगा। सेकंड क्या है कि जैसे नौकरी के रिगार्डिंग, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, चाहे वो टेक्निकल कोर्सेज हों, मेडिकल कोर्सेज हों, वोकेशनल कोर्सेज हों, मेरा सभी फील्ड में सहयोग के लिए मैं कभी भी आपको मांग करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में हूँ, मैंने खुद भी एक खोल रखा है कंसल्टेंसी कैरियर कंसल्टेंट एडमिशन रिगार्डिंग और मैं बीटेक के बच्चों को ऑलरेडी स्टडी दे रहा हूँ, आई एम आल्सो बीटेक आफ्टर पीएचडी, तो किसी भी तरह की सहयोग के लिए आप कभी भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई चीज नहीं की उस महायुद्ध में उस राम ने एक प्रमाण दिया आपके राम राज्य का भक्त पूजन, इतना सुअवसर क्षत्रिय वंश में कोई आया नहीं आता, तो मैं बात रह गई और प्रार्थना और अनुरोध करना चाहता हूं ये सौबंधे लेके जाए। भैया ने कहा राकेश जी ने कि हम मंचों पर आज इतने खुश हैं कि चारों अध्यक्ष बैठे हैं, हमने कभी दो माने नहीं, कभी चार माने नहीं, हमने सदा सबको एक माना। लेकिन इन बातों से काम नहीं चलेगा, भक्तवंश का प्रचार प्रसार होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। मकानों पर प्लेट लगाए, वाहनों पर प्लेट लगाए, खैर कोई कारण हो सकता है,
लेकिन दुख की बात है कि बहुत कम संख्या है आज की तारीख में। अदरवाइज दूसरी कास्ट की कोई बैठक होती, जगह नहीं मिलती इस जगह पर। यह हम लोगों की भी कमी हो सकती है, लेकिन जब जब मीटिंग होती है संगठन की बात आती है। मेरा भाइयों से, इन भाइयों से और आप लोगों से कांग्रेस जी ने कि हम मंचों पर आज इतने खुश हैं कि चारों अध्यक्ष बैठे हैं। हमने कभी दो माने ही नहीं, कभी चार माने ही नहीं, हमने सदा सबको एक माना है। आज हम बात करें, हमारे समाज का बड़ा नाजुक और निर्णायक समय चल रहा है, जो मेरी समझ में आता है। निर्णायक और नाजुक क्यों, नाजुक और निर्णायक क्यों? क्योंकि जितने हम लोग सभी संस्थाओं को इकट्ठा करके भरतवंशी राजपूत नाम को आगे बढ़ाने के लिए, भाई साहब कह रहे थे कि जी वो तो पहले से ही देवोत्थान के दिन करते, ऐसा नहीं। देवोत्थान के दिन शुरुआत अगर की तो गंगा सिंह ने शुरुआत की थी सामूहिकवाद सम्मेलन की, और देवोत्थान के दिन किया था, पहला किया था भरियाणा में के दिन, और दूसरा कह रहे देवोत्थान के दिन। और शाम वो भरतवंशी सत्य वासना के अंतर्गत ही हुआ था। उसके बाद में, और मैं ये मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि यदि हमें ये बताया हमारी समाज को कि सामूहिक विवाह क्या होता है तो वो व्यक्ति गंगा सिंह चौहान है। तो ये एकीकरण की, एकीकरण देखिए, एकीकरण होता क्या है? कुछ नहीं। हमारे भाई रागे जी ने बताया जी, कई कंपनियां होती हैं, एक मालिक की होती हैं, एक नाम से चलती हैं, वो ठीक है चलती हैं, लेकिन और एक कंपनी में कई पार्टनर भी होते हैं, वो भी ठीक है, वो भी सब ठीक है मान लिया जाता है, लेकिन नाम तो एक ही होता है ना कहीं ना कहीं। यदि आप लोग मुझे इजाजत दें तो उस समन्वय समिति के अध्यक्ष के लिए मैं भाई बच्चू सिंह का नाम प्रस्तावित करता हूँ। अगर अनुमोदन की इजाजत हो तो भाई अनुमोदन करें। अनुमोदन के लिए कौन आगे आ रहे हैं? क्या हम लोग इनका समर्थन भी करते हैं क्या? अगर समर्थन करते हैं तो हाथ उठा करके एक बात इजाजत। तो मुझे तो नहीं लगता है कहीं कोई वादा हो। से भी एक बार एक प्रश्न करना चाहूं, क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये पद और पद का वो भूल नहीं लगती पहली बात सुन लो बात जिन्हें कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं। लेकिन ये बात चली दो महीने से और पहले से भी चली, बहुत भारी चिंतन और मंथन हुआ, मैंने बार बार मना किया, सभी से मना किया। एक दिन रामकृष्ण मिशन में मेरी एक भाई की लड़की बीमार थी, आप सभी लोगों का फोन गया मेरे पास, बाहर को नहीं मिल रहा था, काबर बाबर बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, बाहर आया कृपाल सिंह, ओम प्रकाश सिंह, रामपाल सिंह, रामपाल सिंह, यहाँ 15-20 लोग, 15 हों 20 हों मुझे पता नहीं है, इन लोगों ने बात की। मैंने एक शर्त रखी, आज मैं फिर आया हूँ, मुझसे उम्र में है बिल्कुल उनको बना दो, मैं आपके साथ रहूंगा। नंबर एक, अगर समन्वय समिति केंद्रीय समन्वय समिति होगी तो सारी संस्थाओं से पदाधिकारियों के बीच की होगी, चाहे वो संस्थाएं कितना भी काम कर रही हो, चाहे वो नई बनी हो, वरीयता के आधार पर उनको पद दिए जाए। मेरी बात समझ रहे?
प्रचार मंत्री, संकल मंत्री, कोषाध्यक्ष, संरक्षक और मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता आप सभी को लेकर के एक कमेटी बने तो काम करेगी। तो सबसे पहले चरणों में प्रणाम करके कहा है कि पहले सब आप एक हो जाओ और फिर तो ऐसे ही तैसे। देखिए आज ये प्रस्ताव आया है, बड़ा अच्छा है, बहुत ही इसमें तो दो राय नहीं है, परंतु मैं निवेदन करूंगा कि हमारा 12 नवंबर 2019 कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हमारे समाज के बहुत लोग वहाँ और भी उपस्थित होंगे, उनके बीच में देखिए आज हम संख्या बहुत कम है, वहाँ इस पर निवेदन मिल सोचने का मौका भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक अध्यक्ष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है संस्था को चलाने की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। अब हर बात में खुल के भी नहीं बता पा रहा, हर बात न मैं इसका विरोध कर रहा, मैं 100% समर्थक हूँ, मैं इसका समर्थक हूँ मैं, परंतु मेरा निवेदन ये है कि यदि हम इसको कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक पूर्णिमा के इसको रूपरेखा तैयार कर लें, हमें कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, उस दिन उसकी यदि कुछ घोषणा में विचार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा निवेदन है। आगे आज पांच पांच संस्थाएं मंच में बैठी हैं, नाम की घोषणा हो चुकी है, समर्थन की बात है, अगर लगता है किसी को दिक्कत है तो वहां पर तय कर लेंगे। अध्यक्ष तो आशीष मान लेते हैं, बड़े बड़े चौदह ताली सही संस्था में वहां पर होगा, क्योंकि संस्था का जब प्रमुख हाँ करता है तो बाकी तो भीड़ होती है, कुछ नहीं होता। कार्यकारिणी बनानी है, वहीं पर बनाएंगे बैठकर, उस दिन टीम वहीं बनेगी, सब कुछ बनेगा, लेकिन उन लोगों के ऊपर एक ताला होगा जो चीखते चिल्लाते फिरेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, एक जबरदस्त ताला होगा उन लोगों के ऊपर कि आज समाज ने एक अध्यक्ष चुन दिया है। सो आपको आज के कार्यक्रम की क्या खासियतें लगी और आपको ओवरऑल कैसे लगा कार्यक्रम? भाई साहब हम लोगों को ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, और कई महीनों से हमको ना इसकी वो तीन इंतजार थी, और सारे भरतवंशियों के अध्यक्ष को एक ही मंच पर बैठा देख करके दिल खुश हो गया, और उससे ज़्यादा ये अच्छा लगा कि सब भरतवंशियों के अध्यक्ष में से इन्हीं में से एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया, दिल खुश हो गया हमारा। अच्छा तो आपको ओवरऑल बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई इसके आयोजकों को, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो ओवरऑल कार्यक्रम कैसा लगा और आपको क्या महत्वताएँ लगी इस कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एकीकरण का कार्यक्रम था हमारा, हमारी पांचों संस्थाओं के का एक कार्यक्रम रखा गया है, इस तरह भले ही एक हमारी एक संस्था ने किया परंतु पांचों संस्थाओं का समन्वय इसमें हुआ है, तो ये एक बहुत बढ़िया संदेश है समाज के लिए, बहुत बढ़िया संदेश जाने वाला है। और आप कोई आखिरी शब्द कहना चाहोगे इस कार्यक्रम के बारे में? मैं कह रहा हूँ इसी तरह से कार्यक्रम होते ही रहे। ओवरऑल कार्यक्रम कैसा लगा और आपको क्या महत्वता लगी इस कार्यक्रम की? एक तो जो ये शस्त्र पूजा रखा गया था, इसमें जो शस्त्र रखे गए थे, आप जानते ही हैं कि यहाँ आज आपने देखा समाज में महिलाओं की संख्या कम थी, हमारे समाज में अब जो बदलाव आ रहा है, जो महिलाओं को आगे लेके आने की एक चाहत, एक दिशा मिल रही है, आपने देखा कई बुराइयाँ भी बताई गई यहाँ पर, और ये हमारी परंपरा रही है हमारे क्षत्रिय समाज की कि शस्त्र पूजा ये बुजुर्गों के टाइम से ही चल रही है, तो दशहरे के उस पर ही हम मनाते हैं। लेकिन जो इसमें आज बातें रखी गई, जैसे कि एक दहेज प्रथा की रखी गई और एक शिक्षा संबंधी रखी गई, तो ये समाज को कहीं ना कहीं आगे की ओर ले जाने के लिए रखी गई, और मैं इन सब बातों का समर्थन करती हूँ, और मैं अभी इसमें जुड़ी हूँ तो मैं चाहूँगी कि अपने साथ और भी महिलाएं मैं लेकर आऊँ ताकि महिलाओं को एक नई दिशा मिल सके। बहुत धन्यवाद, तो आप प्लीज़ बताइए। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और अच्छा लगा हमें, और आने वाले समय में इससे भी और अच्छा होगा, यही हमारी शुभकामना है सभी के लिए। मेरा नाम चरणपाल भरतवंशी फरीदाबाद से, और आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी उसके अनुरूप हमारा कार्यक्रम बहुत सफल और अच्छा लगा, इसमें हमें सफलता हासिल हुई है, और हम चाहते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी होते रहें ताकि हमारा समाज आगे उन्नति और तरक्की करता रहे।